फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे एचटीएमएल लिस्ट की और एचटीएमएल टेबल की। कैसे आपका एचटीएमएल में कोई हम लिस्ट बनाते हैं और कैसे टेबल बना के उसमें डेटा एंट्री करते हैं, वो सारी चीज हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो जनरली एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। एचटीएमएल लिस्ट आर डिफाइंड विथ द टैग UL, ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट टैग है, ये UL टैग से हम डिफाइन करते हैं, जिसको अनऑर्डर्ड या बुलेट लिस्ट भी हम कहते हैं। मतलब कोई लिस्ट बनेगा तो वहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में होगा। या फिर OL हम यूज करेंगे, OL जनरली यूज करते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, वहां पे कुछ नंबरिंग लिख के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग लिस्ट पे आएगा। एंड फॉलोड बाई LI टैग। LI टैग में जनरली हम वही चीज देंगे, जैसे आप लिस्ट बना रहे हैं तो वहां पे आइटम भी तो कुछ देंगे, जो आइटम देंगे वो किसके साथ देंगे, LI टैग के साथ, जिसको हम कहते हैं लिस्ट आइटम। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे लिस्ट हम बनाएंगे। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे डॉक टाइप आपका क्या शो कर रहा है, HTML वर्जन शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम HTML देखें तो HTML का यहाँ पे स्टार्ट टैग है। ये आपको हर HTML के कोडिंग जब भी करने जाएंगे HTML स्टार्ट और HTML इंड तो होगा ही होगा, ये आपको रखना ही रखना है क्योंकि HTML में आपको कोडिंग करना है। इसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल यूनिवर्सिटी एकेडमी दे दिया, तो आपका जो यूनिवर्सिटी एकेडमी होगा टाइटल लिख के आएगा। इसी के साथ यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट भी इसी का इसके साथ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए जैसे यहाँ टाइटल जो मैंने दिया हेड के अंदर, आपका टाइटल यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसके बाद हेड को मैंने क्लोज कर दिया, मतलब हेड का काम केवल टाइटल के लिए मैंने यूज किया, यहाँ पे कोई लिंक मैंने यूज नहीं किया, जो कि लिंक अगर चाहे तो हम लिंक भी हेड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉडी ओपन कर रहे हैं। बॉडी मतलब कि अब जो बॉडी के अंदर हम कोडिंग लिखेंगे वो आपको इस एरिया में आपको यहां से यहां तक ये एरिया में डिस्प्ले करेगा, मींस जो भी आपका मेन वेबसाइट का पेज होगा उसकी एरिया में बॉडी में जो लिखा होगा वही डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं H2 फॉन्ट में। H2 फॉन्ट मतलब कि जो आपका हेडिंग है, हेडिंग का H1 से लोअर फॉन्ट है। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देखे तो वहां मैंने H1 फॉन्ट यूज किया था। H1 सबसे बड़ा साइज होता है, H2 उससे छोटा होता है। तो H2 में हम लिख रहे हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, और इस H2 को मैंने टैग को क्लोज कर दिया। अब इसको यह देखिए जो चीज यहाँ मैंने लिखा डिस्प्ले आपको कुछ इसी तरीके से आपका करेगा। कैसे डिस्प्ले करेगा, एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, देखिए बोल्ड में आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम UL डिफाइन करेंगे, मीन्स अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं, उसमें UL फॉर्म है। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं होगा, और उसके लिस्ट आइटम क्या होगा, एक UL का तो ये स्टार्ट हो गया, जब UL का स्टार्ट है तो इस लिस्ट का क्लोज भी होगा, यहाँ पे क्लोज मैंने कर दिया। और इसमें अब लिस्ट आइटम क्या क्या डालना है मुझे, लिस्ट आइटम मैंने 3 डाला है यहाँ पे। लिस्ट आइटम एक पहला है कॉफी, टी और मिल्क। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑर्डर यही आ रहा है अनऑर्डर में, कॉफी टी और मिल्क, जिस ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा था वैसा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट करके आ रहा है, ध्यान दें यहाँ पे 1, 2, 3 नंबरिंग नहीं आ रहा है। दूसरा हम आगे यूज कर रहे हैं H2 फॉन्ट में ही, जहां पे हम दिखा रहे हैं एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, वही ऑर्डर्ड HTML लिस्ट यहाँ पे लिख के प्रिंट होके आ रहा है। ऑर्डर में यहाँ पे OL यूज हो रहा है ऑर्डरिंग के लिए, जैसे OL आ गया मतलब आपकी अब नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर के फॉर्म में देगा, इसका क्लोज भी होगा यहाँ पे। इसी के अंदर हम यूज करेंगे लिस्ट आइटम, फिर अगेन वही लिस्ट आइटम ले रहे हैं कॉफी टी मिल्क, जैसा यहाँ पे सेम था वही यूज किए, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो नंबरिंग आ गया 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट में आ रहा है। और बॉडी का क्लोज कर देंगे, HTML क्लोज कर देंगे, तो यही लिस्ट आप यही आपका जाएगा HTML लिस्ट। ऐसे आप चाहें तो और नंबर्स ऑफ एंट्री वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो ये जनरली था आपका HTML लिस्ट। एक चीज और हम यहां पे आपको दिखाना चाहेंगे, अगर हम इसी कोड को रन करके आपको दिखाएं तो देखिए कैसे रन करता है। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहां से, यहां कोड आप टाइप कर लीजिएगा, जहां से देख के टाइप कर लीजिए, हम सीधा आपको कॉपी करके दिखा रहे हैं। यहां से हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया नोटपैड पे, इसको हम सेव कर ले रहे हैं सेव एज नाम से, कि HTML लिस्ट नाम से सेव कर रहे हैं, लिस्ट का प्रोग्राम है तो हम लिस्ट नाम से सेव कर, list.html नाम से सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे ही हम सेव कर दे रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो वहां पे डेस्कटॉप पे आपको
डेस्कटॉप पे आपके लिस्ट नाम का बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे आपका लिस्ट आइटम यहाँ पे दिख जाएगा, जो चीज वहां पे था वही आपका आउटपुट यहाँ पे दिख गया। अब एक चीज और यहाँ पे हम आपको समझा दें कि जैसा मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज नहीं है तो इसका कोई कंपाइलर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, केवल सपोज हेलो हम लिख दें यहाँ पे और इसको सेव उसी फॉर्मेट पे कर दें इसमें डॉट एचटीएमएल फाइल में ही, जैसे उसी पे हमने सेव कर दिया, तब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो केवल हेलो लिख के आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं है, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा, कभी भी एचटीएमएल लिस्ट में एचटीएमएल कोडिंग में कोई एरर नहीं आता। बस उसका फॉर्मेट कुछ अलग आ रहा है, मतलब एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में लिख के आ रहा है, यहाँ पे कोई भी मेरा एचटीएमएल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर इसके साथ यूज नहीं होता। आगे चलते हैं, हम आगे अब बात करते हैं HTML टेबल की। HTML टेबल पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। टेबल आपको पता होगा रो और कॉलम होते हैं टेबल में, तो वही रो कॉलम को ही समझ डिफाइन करना है आपको वेब पेज पे। तो पहले इसको देख लेते हैं टैगिंग कौन कौन सा हम यूज करेंगे। टेबल आर कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, टेबल आर डिफाइंड विद इन टैग टेबल। इंपॉर्टेंट है ये कि टैग टेबल आपको वहां पे होना चाहिए। इसके बाद टेबल इज डिवाइडेड इंटू रो, रो मीन्स आप देखिए एक तो रो में डिवाइड होगा, रो में डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे tr, tr आपका एक टैगिंग है जिसको हम यूज करेंगे। एंड ईच रो डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे फिर उसको हम नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करेंगे किससे td से, td आपका टैग है जिससे हम डिवाइड करेंगे। मतलब टेबल एक तो टैग यूज होगा, उसके अंदर tr यूज होगा और आपका td यूज होगा। tr यूज होगा रो के लिए, td यूज होगा कॉलम के लिए। वी कैन इंटर द डेटा इंटू सेल यूजिंग td, और जो हम डेटा एंट्री करेंगे वो भी td के थ्रू ही हम यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे कौन कौन डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या टेबल के अंदर हम टेबल भी यूज कर सकते हैं। हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि एक टेबल हम बना रहे हैं, 3x3 का टेबल बना के उसमें हम यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो स्टार्ट होगा HTML टैग स्टार्ट होगा डॉक टाइप से होगा HTML का। HTML यहाँ पे स्टार्ट टैग है, इसी के साथ HTML का लास्ट में क्या होगा इंट टैग होगा। ध्यान दीजिए मैक्सिमम का आपका स्टार्ट और इंड होता है, दोनों होता है। कुछ टैग अभी आगे आएंगे जहां पे हम केवल स्टार्ट यूज करते हैं उसका इंड नहीं होता। हेड के अंदर हेड आया, हेड का क्लोज यहाँ पे हो गया। हेड के अंदर केवल मैंने टाइटल यूज किया है, कोई लिंक यूज नहीं किया। तो आपका टाइटल अगर यहाँ पे आउटपुट देखें तो टाइटल वही लिख के आ रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अकेडमी टाइटल यहाँ पे लिख के आ रहा है। चलिए अब हेड का काम खत्म, बॉडी में आ जाते हैं। मेन में जो आपका कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे पेज पे, ये पेज का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप वेब पेज का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे जो बॉडी है इसके बॉडी में देखिए, पहले मैंने टेबल यूज किया। टेबल यूज किया मतलब आपका टेबल अब हम बनाने जा रहे हैं। एक टेबल यहाँ पे यूज करेंगे तो टेबल का क्लोजिंग भी इस तरह से होगा आपका, देखिए यहाँ पे टेबल का क्लोजिंग भी होगा, टेबल का क्लोजिंग भी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर इसी टेबल के अंदर देखिए नंबर ऑफ रो हमने कितने बना रखे हैं, एक तो tr रो के लिए होता है, एक tr ओपन हुआ और एक tr क्या हुआ क्लोज हुआ, मतलब एक पहला रो बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और दूसरा रो बना, एक tr ओपन हुआ फिर से tr क्लोज होगा, मतलब दूसरा रो बन गया। अगर एक बार और देखें तो एक तीसरी बार एक और tr ओपन हुआ और एक tr क्या हो गया क्लोज हो गया, मतलब तीन रो तो बनेंगे। अब इसके अंदर हम कॉलम देखते हैं, जो पहला रो बना उसमें हम यूज कर रहे हैं ts। ts जनरली होता है कि यहाँ पे जो भी आइटम हम इंसर्ट करेंगे कॉलम में डिवाइड करके वो आपका बोल्ड फॉर्म में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड में लिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज किसमें आ रहा है बोल्ड में आ रहा है। तो ts ओपन किया क्लोज किया इसके अंदर लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, लास्ट नेम और एज, मतलब जो पहला रो था उसमें तीन आइटम मैंने तीन कॉलम में डिवाइड किया। ts का मतलब होता है कॉलम डिवाइड करना विथ बोल्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो बोल्ड में आ जाएगा। तीन कॉलम मैंने डिवाइड किया, तीनों के डेटा क्या है बोल्ड फॉर्म में यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो दूसरा रो है, दूसरा रो मतलब ये वाला रो जो यहाँ पे है, इस रो में देखें तो नेम है इंसर्ट यहाँ पे संदीप विश्वकर्मा और 31। तो यहाँ पे देखिए td
टीडी यूज किया मैंने अगेन कॉलम में ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे पहला संदीप आ गया, विश्वकर्मा और 31 आ गया, इंसर्ट हो गया। ऐसे थर्ड के लिए रवि मौर्य 32 मैंने यूज किया, तो यहाँ पे रवि मौर्य 32 आ गया। अब जैसे इसको बॉडी क्लोज करेंगे, बॉडी को हम क्लोज करेंगे और इसको सेव कर देंगे किसी भी फाइल नेम डॉट HTML से सेव करेंगे, तो आप देखेंगे कि यही आपका लुक लाइक यही आपका आएगा। चलिए हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली हम कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहां से आप यहां से देख के नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लेते हैं, हम नोट पैड ओपन कर लेंगे यहां पे, नोट पैड ओपन कर लेते हैं। नोट पैड में सिंपली हम इंसर्ट इसको पेस्ट कर देंगे पूरे कोड को वहां से। अब इसको हम सेव एज कर ले रहे हैं टेबल नाम से, टेबल डॉट html, html नाम से, और डेस्कटॉप पे हम सेव कर ले रहे हैं। जैसे ही सेव कर लेंगे आपका आइकन बन गया होगा ब्राउजर की टाइप का, और यहाँ पे देखिए टेबल डॉट html आपका सेव हो गया। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आपका टेबल फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ये टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। चलिए दोस्तों एक चीज और हम यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दें, हर वेबसाइट को जैसे मैंने बताया अभी कि हर वेबसाइट का जनरली कोडिंग आपका HTML में ही होता है, तो आप कैसे किसी का देख सकते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैंने कस्टमाइज किया है किसी टूल पे, लेकिन अगर देखें तो इसका कोडिंग कहीं ना कहीं सारे चीज का कोडिंग आपको मिलेगा किसमें, आपको उसी HTML के फॉर्म में दिखेगा। कैसे देखेंगे आप, तो वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके वहां आप देखेंगे तो व्यू पेज सोर्स लिख के आएगा। जैसे व्यू पेज सोर्स करेंगे आपको उसकी पूरी HTML कोडिंग दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरी HTML कोडिंग उस पेज की दिख गई, कहां से स्टार्ट हुआ, डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चलता जाएगा, बहुत जितनी भी कोडिंग होगी सारी यहाँ पे दिख आपको कोडिंग दिख जाएगी। तो किसी भी वेबसाइट को आप देखें राइट क्लिक कर, तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी कोडिंग किसने है, HTML में ही सारी कोडिंग हुई होती है। आज हमने दो चीज देख लिया, एक तो लिस्ट देख लिया और दूसरा टेबल देख लिया। आगे हम बात करेंगे किसी, आगे हम HTML किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।